अस्सलाम वालेकुम तमाम आर्ट लवर्स को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। बहुत अरसे से आप वेट कर रहे होंगे मेरी वीडियोस के लिए, बट कुछ मसरूफियात की वजह से शॉर्ट वीडियोस तो बनाना मुमकिन हो रहा था, बट लॉन्ग वीडियोस की तरफ मैं नहीं आता था। पर आज थोड़ी मसरूफियात कम थी और संडे का दिन था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वॉल पेंटिंग की से शुरुआत करते हैं और दोबारा अपने आर्ट्स के व्लॉग्स बनाकर और आप लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है बहुत से आर्ट लवर्स ऐसे हैं कि जो पेंटिंग करना चाहते हैं पर उनको पेंटिंग के सामान की परेशानी है, उनको कहाँ से मिले, कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। तो एक एक करके मैंने अपनी वीडियोस में बहुत सी चीज़ें तो पहले ही गाइड की हैं, तो आज हम वॉल पेंटिंग की तरफ आते हैं। बहुत ही आसान तरीका, पहले तो आपको घर की एक वॉल को सेलेक्ट करना है कि आप जहाँ पर कोई पेंटिंग करना चाहते हैं, देन आप कोई पिक्चर सेलेक्ट करें जो आप वहाँ पर बनाना चाहते हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा, फ़िलहाल आप वॉल पेंटिंग अगर आप अपने घर में करें तो वन कलर करें, मतलब कोई भी एक कलर ले लें। अगर आपकी वॉल डार्क है तो आप उसके लिए कोई लाइट कलर यूज़ करें, अगर आपकी वॉल का कलर थोड़ा लाइट है तो आप उसको एक ब्लैक कलर से पेंटिंग करें, पर कोई भी एक कलर यूज़ करें। अब आसान तरीका तो ये है और बहुत ही सस्ती चीज़ है कि आप ऑयल कलर का एक डब्बा ले लें, एक छोटा सा जो तकरीबन 200 तक का आता है, और अगर आप उसको सही से यूज़ करेंगे मिट्टी के तेल में इसको मिला के, तो मेरे ख्याल है आसानी से घर की 10 से 15 वॉल्स आप उससे अपनी पेंटिंग बना सकते हैं। मैंने भी कोई मटेरियल कुछ चीज़ें खरीदी हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आप किस तरह से अपने घर की वॉल को अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं आर्ट के ज़रिए। चलें स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मैं आपको बता दूं कि ये जैसे मेरा मकान है कि ये ऑयल कलर के डिब्बे हुए आप ले सकते हैं, और ये थिनर है या मिट्टी का तेल आप खुला ले लें मार्केट से। मैंने तो काफ़ी डिब्बे लिए हुए हैं, मैंने कुछ वॉल्स वगैरह अपनी पेंट भी की हुई हैं, आप मेरी वीडियोस में देख भी सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 250 रुपये का डब्बा है जो मैंने लिया था, और अपने घर में काफ़ी ज़्यादा वॉल्स मैंने पेंट की हैं इसके ज़रिए, आर्ट के ज़रिए ड्राॅइंग की हैं। जैसे ब्लैक कलर का ये डब्बा है गालिबा 150-200 का, और मुझे ख्याल है तकरीबन एक साल पहले मैंने इसको ख़रीदा है, और काफ़ी दीवारें मैंने इससे अपने घर की उसमें आर्ट बनाया है, फिर भी ये आधे से ज़्यादा अभी भी रहा हुआ है। इसका मतलब आप आसानी से मेरे ख्याल में अपने घर की 2 दर्जन दीवारें तो कम से कम इससे पेंट कर ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में आप किसी दीवार को चूज़ कीजिए, और फिर दीवार को चूज़ करने के बाद आप चौक की मदद से ड्राइंग कर लीजिए कि जो आपको ड्राइंग करनी है उसके ऊपर। पहले चौक को आप अच्छी तरह से कटर की मदद से शेप बना लें, पेंसिल शेप बना लें, ताकि आपको ड्राइंग करने में आसानी हो। चलिए पहले हम बना लेते हैं इसको, इसकी शेप बना लेते हैं। बच्चे जो हैं वो बड़ों से ज़रा अगर शेप बनाएं इसकी तो खुद ना बनाएं, क्योंकि उनको कटर लग सकता है, वो ज़ख्मी हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने घर के बड़ों को दे दें, और इसको जो है ना वो इजीली आराम आराम से इसे घुमाते जाएं चौक को, तो ये खुद ही अपनी शेप में, पेंसिल शेप में आ जाएगा, आपको ड्राइंग करने में इसको आसानी हो जाएगी। आराम आराम से इसको लाइटली ऐसे घुमाते जाएं। देखिए इसकी कुछ शेप तो बन गई है, लेकिन अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप इसको दीवार पे भी घिस कर इसकी इस तरह की शेप बना सकते हैं। अब आप एक घर की कोई वॉल सेलेक्ट कर लें, और अगर आप देखें कि उसमें थोड़ी सफाई की ज़रूरत है, थोड़ा कलर वगैरह उसमें थोड़ा रफ़ है, तो आप उसको रेगमाल की मदद से पहले थोड़ा सा क्लियर कर लें। देखिए मैंने घर की एक वॉल सेलेक्ट की है, तो अब मैं पहले उसको क्लियर कर देता हूँ, फिर उस पर मैं ड्राइंग कर देता हूँ। चलें शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा कलर डाला है, और दो और मिट्टी के तेल के दो कैप्स, दो ढक्कन जो बोतल के, वो हमने इसमें डाले हैं, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, फिर हम इसको दीवार पर पेस्ट करते हैं।
एज पर ड्राइंग। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक आसान सी वॉल पेंटिंग हमने बनाने की कोशिश भी, आप भी घर में इसको ट्राई कर सकते हैं। और कोई भी डिज़ाइन, कोई भी ड्राइंग आप नेट से डाउनलोड करें और वन कलर में इसको अपने घर में किसी भी वॉल पर ड्रॉ करें। आर्ट लवर्स के लिए ये एक आसान एक्टिविटी है, आप परफॉर्म कर सकते हैं घर में वन कलर के साथ किसी भी वॉल पर परफॉर्म कीजिए और मुझे कमेंट में शेयर कीजिए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से आप कुछ सीखें और उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करें। एक और छोटी सी चीज़, एक छोटे छोटे से आर्ट होते हैं जो आप अपने इलेक्ट्रिक बटन्स वगैरह पर या कहीं कीज़ हैंग करते हैं या कहीं आपका हैंगर वगैरह लगे होते हैं वहाँ पर, छोटे छोटे से आर्ट आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी शेयर करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे घर में मैंने जितनी भी वॉल पेंटिंग्स बनाई हैं वन कलर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी शेयर करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे मैसेज कीजिए और अपने घर में कोई वॉल पेंटिंग बनाएं तो उसकी पिक्चर भी मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।